धूमधाम से पूरी हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। पहली बार सामने आई मंदिर के अंदर की तस्वीरें, राम मंदिर अंदर से है किसी महल से भी ज्यादा सुंदर। दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में किया जाएगा शुमार। जी हां दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है और यह समारोह इतना भव्यता के साथ किया गया कि 22 जनवरी का दिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगा। और अब क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो ऐसे में राम मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और लोग जब चाहें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। काफी दिनों से लोगों को इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर हमारा ये राम मंदिर अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि मंदिर के बाहरी रूप तो बहुत समय पहले ही सामने आ चुका था, मगर राम मंदिर अंदर से कैसा दिखता है ये किसी को मालूम नहीं था। और इसी के चलते लोगों में एक जिज्ञासा बनी हुई थी कि आखिर इतने लंबे अरसे के बाद बनने वाला ये राम मंदिर कैसा दिखता होगा। अगर आप भी राम मंदिर को लेकर अपने मन में इसी तरह की कोई जिज्ञासा रखते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें अभी हाल ही में मीडिया के पास आई हैं और जब से इन्हें शेयर किया गया है तभी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर सच में इतना सुंदर दिखाई देगा। मंदिर की तस्वीरों को देखकर लोग विस्मित हो गए हैं। जो कोई भी इन तस्वीरों को एक बार देख रहा है वो इनसे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है। मंदिर की इन तस्वीरों के साथ ही हम सबके प्रिय रामलला की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और रामलला की मूर्ति को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि ये मूर्ति इतनी ज्यादा प्यारी है कि इसे सिर्फ एक नजर देखकर लोगों का मन नहीं मान रहा। सवाल ये उठता है कि राम मंदिर की इन तस्वीरों में आखिर ऐसा क्या है कि ये इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। रामलला की मूर्ति कैसी दिखाई देती है और इस दिव्य मूर्ति को किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है, इन सब चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग व इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना बिल्कुल भूलें। दोस्तों 500 साल यानी 5 सदियों के बाद आखिरकार हम सबके प्रिय रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में वापस लौट चुके हैं और अब भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त अयोध्या के अंदर बने राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब पूरा हो चुका है और अब ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि ये खबर पहले से ही लोगों को दे दी गई थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी अब रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों को किसी निमंत्रण या स्पेशल नियमते की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पड़ी थी, और लोग जब चाहें अपने प्रिय रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लोगों को रामलला के आने की खुशी इतनी ज्यादा है कि पिछले 48 घंटे से पूरे देश में दिवाली और रामलला के आने का जश्न मनाया जा रहा है और हर कोई यही कहता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी जबरदस्त दिवाली कभी नहीं देखी है। पर सवाल ये उठता है कि लोगों को राम मंदिर के बनने की इतनी ज्यादा खुशी क्यों है, इस दिन के लिए लोग वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। असल में इसके पीछे एक बहुत पुरानी और लंबी कहानी है। चलिए हम आपको उस कहानी के बारे में शॉर्ट में समझाते हैं। असल में बात आज से तकरीबन 500 साल पुरानी है, जब भारत में मुगल बादशाह बाबर का शासन हुआ करता था। उसने अपने शासन काल में बाबर ने बहुत से अच्छे और बुरे भी काम किए, लेकिन बाबर ने एक काम अयोध्या में ऐसा किया जिसने 500 सालों का विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल अयोध्या में उसने सन 1528 के दौरान अपने नाम से एक शानदार मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। अब बाबर ने मस्जिद तो बनवा दी लेकिन इसकी वजह से इस जगह को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। असल में बाबर ने अयोध्या के जिस जगह पर यह मस्जिद बनवाई थी, हिंदू धर्म के लोग उसको प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के रूप में मानते थे और उनका कहना था कि बाबर ने यहाँ मौजूद राम मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाई। यानी इस मस्जिद के बनते ही इस जगह को लेकर दोनों समुदायों के बीच एक विवाद फैल गया और यह विवाद इतना फैला कि 500 साल तक चलता रहा। इस बीच अंग्रेज हमारे देश में आए और हम पर हुकूमत की और हमने आजादी भी हासिल कर ली, लेकिन ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद खत्म नहीं हुआ। इसलिए कई बार हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में लड़ाई झगड़े और दंगे हुए। इसमें 1992 का राम मंदिर आंदोलन भी शामिल है जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी थी और आंदोलनकारियों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद भी ये मामला 3 दशकों तक कोर्ट में अटका रहा और उसके बाद 2019 में जाकर आखिरकार भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये जगह राम मंदिर पक्ष को मंदिर बनाने के लिए दे दी गई और इसी के साथ पूरे देश में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि लोगों ने इस दिन का इंतजार 10-20 साल नहीं बल्कि 500 सालों तक किया। पीढ़ियों की पीढ़ियां इंतजार में खत्म हो गई कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। यही वजह है कि आज जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इतनी ज्यादा खुशी
देखने को मिल रही है। लोग बरसों से यह दिन देखने के लिए बेताब थे कि अब कब उन्हें अयोध्या के भव्य राम मंदिर को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है। तो चलिए अब सस्पेंस को ज्यादा न बढ़ाते हुए राम मंदिर की इन सुंदर तस्वीरों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक तरफ आपको राम मंदिर का मुख्य द्वार और दूसरी तरफ राम मंदिर को दूर से लिया गया फोटो दिखाई देगा। ये दोनों ही फोटो रात के समय लिए गए हैं और रात का अंधेरा राम मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर को रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों और धीमी रोशनी वाली लाइटों से सजाया गया है। यकीनन इन तस्वीरों में राम मंदिर स्वर्ग का कोई महल लग रहा है। आप भी जरा ये तस्वीर देखिए जो राम मंदिर के अंदर से जाकर ली गई है, और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा सुंदर चीज कभी देखी है। रंग बिरंगे फूलों से सजा राम मंदिर इस पीली रोशनी में इतना सुंदर लग रहा है कि यह मंदिर नहीं मानो सच में किसी बहुत बड़े राजा का महल हो। और देखा जाए तो यह गलत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में प्रभु श्री राम से बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता। इन्हीं तस्वीरों की वजह से लोग इसे राम मंदिर नहीं बल्कि राम महल कहकर बुला रहे हैं। इस तस्वीर में राम मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज्यादा भव्य लग रहा है। ये फोटो भी रात के समय ही ली गई है, जिसमें पीली रोशनी वाली लाइटों का इफेक्ट मंदिर की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ रात में ही सुंदर दिखाई देता है, तो यह तस्वीर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। यह फोटो राम मंदिर के अंदर का है, जिसे दिन के समय लिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले राम मंदिर पहुंच गए थे और उन्होंने इस अनुष्ठान में भाग लिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको राम मंदिर की एक और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। बता दें कि ये राम मंदिर के अंदर का फोटो है, जिसे दिन के समय लिया गया, और आप देख सकते हैं कि दिन के समय भी ये मंदिर कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में पत्थर की दीवारों और पिलर्स पर की गई बारीक नक्काशी को भी साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही इन दीवारों पर लगे हुए ये फूल और फूलों की लटकती हुई लरियां मंदिर की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। और अब अंत में आप इस तस्वीर को देखिए, अगर कोई आपसे भव्य शब्द का मतलब या उसकी परिभाषा पूछे, तो उसे आप राम मंदिर की ये तस्वीर दिखा देना। वो आगे आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। रात के समय में दूर से लिया गया राम मंदिर का ये फोटो इतना खूबसूरत है कि इसे एक बार देखकर किसी का मन ही नहीं भर सकता, और इसे देखकर दिल में बस एक ही आवाज निकलती है, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे यकीन है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों इंटरनेट पर इतनी ज्यादा ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर आपको ये तस्वीरें देखकर इनमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा, तो यकीनन आप में भक्ति की कमी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में प्रभु श्री राम के लिए जरा से भी प्रेम होगा, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन तस्वीरों में क्या खास है। वो खुद इन्हें एक नजर देखकर विस्मित हो जाएगा। वैसे विस्मित तो इस समय रामलला की मूर्ति ने लोगों को किया हुआ है। असल में राम मंदिर की इतनी तस्वीरों के साथ ही रामलला की जो मूर्ति इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है, उसके कुछ फोटो भी इंटरनेट पर वायरल हुए हैं। रामलला की मूर्ति की जो दो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें एक तस्वीर में बहुत पास से रामलला का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में थोड़ा दूर से इन्हें कैप्चर किया गया है, जिसमें रामलला की यह मूर्ति गर्भगृह में रखी हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों ने भी लोगों को मोहित किया हुआ है, और ऐसा हो भी क्यों ना। रामलला की यह मूर्ति इतनी ज्यादा सुंदर और प्यारी है कि इसकी सिर्फ एक झलक ने ही लोगों का जीवन धन्य कर दिया है। जानकारी के लिए बता दी कि रामलला की मूर्ति का साइज 51 इंच है, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा विधि पूरी होने के बाद इसको मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। इस सुंदर मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है, और उनकी यह मूर्ति हजारों दूसरे कलाकारों की मूर्ति को पीछे करके राम मंदिर में स्थापित करने के लिए चुनी गई है। अरुण योगीराज खुद भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति ऐतिहासिक राम मंदिर में स्थापित हुई है। पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है, और हर जगह राम मंदिर के उद्घाटन को दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। वैसे आपको रामलला की मूर्ति और उनका मंदिर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।